गुड मॉर्निंग बच्चों, कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था रिप्रोडक्शन के विषय में, तो उसमें आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में हम बताए थे। अब आज की इस क्लास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी वीडियो के विषय में जो है यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां, क्योंकि जनन से यानी कि रिप्रोडक्शन से जो है पेपर में 14 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। आप ही लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ा जा रहा है, सिलेबस से हटकर जो है भी चीजें जो आप लोगों को बताई नहीं जा रही। देखिए इसमें जो है अलैंगिक जनन की विधियां में जो है पहला नंबर होता है द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विविभाजन क्या होता है तो उसके विषय में आप लोग सुनिए। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही जनन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें जो है एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है और ये जो है डीएनए होता है, एक ही डीएनए होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें बोलते हैं शेरवा। और ये जो एक जनक होता है ये जो है आगे चलकर सिकुड़ने लगता है, सिकुड़न आती है उसमें और ये सिकुड़न के बाद से जो है ये दोनों जो है आपस में धीरे धीरे इसके डीएनए जो है अलग होने लगते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए दोनों का जो है अलग हो रहा है और अगले कॉलम में जो है ये पूरी तरह से जो है अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग जो है जीव बन जाते हैं और इन दोनों का गुण जो है एक ही होता है, करेक्टर दोनों का एक ही होता है क्योंकि डीएनए दोनों का एक ही है, इसीलिए जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। दोनों का डीएनए एक होने की वजह से इसको बोला जाता है क्लोन। और इसमें जो है एग्जांपल जो होते हैं इसमें अमीबा, यूब्लीना, प्रोटोजोआ के संघ के जीव जो है इसमें आते हैं। तो पेपर में जो आपको ऐसे ही बना देना है, इसके विषय में लिख देना है कि इसमें जो अमीबा, यूब्लीना, प्रोटोजोआ संघ के जीव आते हैं। अब जो सेकेंड नंबर होता है बीजाणु जनन, तो बीजाणु जनन जो होते हैं यानी कि जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, वे बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो जीव जो है बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वे जीवाणु अंकुरित होकर नया संतान बनाते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया है, कवक दिया है, पेनिसिलियम यानी कि यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया गया आप लोगों को, यहाँ पे जो ये पेनिसिलियम है इसमें ये छोटे छोटे इसके जो बीज होते हैं, छोटे छोटे जो ये पेनिसिलियम कवक के जो बीज होते हैं ये परिपक्व होने के बाद से, परिपक्व होने के बाद से इससे अलग हो जाते हैं, पेनिसिलियम से अलग होकर जो है एक नया जो है जीव का निर्माण करते, एक नए जो है पेनिसिलियम का जो निर्माण हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बीजाणु जनन जनन। और ये जो बीजाणु जनन होता है ये हवा के माध्यम से हो सकता है। अब जो है आगे जो बताया गया आप लोगों को तीसरा जो नंबर है मुकुलन, मुकुलन का मतलब होता है बडिंग। तो बडिंग जो होता है इसमें जो है जनक के शरीर से मुकुल बनता है और एक मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनाता है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया इसमें ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो फिगर बना है इसमें देखिए ये बर्ड निकला हुआ है इसमें, और ये बर्ड जो है ग्रो करके जो
सेकेंड स्टेज में ग्रो किया है बर्ड, इसके बाद से यहाँ पे मेच्योर हो गया है, और मेच्योर होने के बाद से यहाँ पे जो एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये जो चीजें हैं ये कहीं आपकी मुकुला यानी कि बडिंग। तो बडिंग में जो है बर्ड निकलता है, वो निकलने के बाद से ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद से एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है, इसको बर्ड बोलते हैं। अब अगला जो नंबर आता है बच्चों, ये आता है खंडी भवन फागर मेमिनेशन, यानी कि खंड में टूटना। नाम से ही पता चल रहा है कि खंडी भवन का मतलब ये होता है खंड में टूटना। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार के ये जीव आते हैं। पहला होता है स्पाइरो गोइरा और यूरोथ्रिकस। इसमें जो स्पाइरो गोइरा जो फिगर हम बनाया है स्पाइरो गोइरा, इसमें जो तीन से अधिक भी हो सकते हैं, और ये जो है प्रथम खंड में टूट कर अलग हो गया है, फिर ये सेकेंड खंड में टूट कर अलग हो गया है, फिर ये तीसरे खंड में टूट कर अलग हो गया। अलग होने के बाद से जो है एक जो है ये नया स्पाइरो गोइरा बना लिया, ये दूसरा नया स्पाइरो गोइरा बना लिया, तीसरा जो नया स्पाइरो गोइरा बना लिया, और प्रत्येक खंड नया पौधा देते हैं, यानी कि जो ये जो खंड आप लोग को अलग किए हैं इससे जो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद से जो अगला नंबर आता है बच्चों, ये वाला पुनरुद्भवन, यानी कि जो पांचवा नंबर आप लोग का है पुनरुद्भवन रेजिनेशन, रेजिनेशन यानी कि जीव के कटे भाग नए संतान बनाते हैं, यानी कि इसमें जो जीव होते हैं उनके भाग कट जाते हैं, और भाग कटने के बाद से जो भाग इसमें से देखिए अलग हो गया, अलग होने के बाद से ये जो नया जो है प्लेन एरिया बना लेते हैं। प्लेन एरिया इसमें याद रखेंगे आप लोग, प्लेन एरिया इसमें जीव आते हैं और अमीबा हाइड्रा और स्पंज आते हैं। एग्जाम के पेपर में जो हमेशा पूछा जाता है कि पुनरुद्भवन में कौन कौन से जीव आते हैं, तो आप नाम दे सकते हैं प्लेन एरिया, अमीबा है, हाइड्रा है, स्पंज है, ये सारे प्रश्न जो है आए हुए हैं। और जो है ये जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया जो है कट कट के जो है अलग हो जा रही है, और अलग होने के बाद से नया जो है प्लेन एरिया जो है यहाँ पे तैयार हो जा रहा है। आप लोग देखे होंगे कि जो छिपली की पूंछ होती है वो कटने के बाद से जो है अलग हो जाती है, और पुनः जो है वो पूंछ जो है छिपली में नया पूंछ जो है विकसित होने लगता है। ये क्या चीज है, ये यही है पुनरुद्भवन है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में आप लोग को ऑनलाइन जन्म की विधियां हम बता दिए हैं। पहला जो है द्वि विभाजन विधि यानी कि बाइनरी फ्यूजन, यानी कि इसमें जो है एक ही जनक होते हैं और ये दो भागों में टूट कर जो है अलग हो जाते हैं, और इनका डीएनए समान होने की वजह से इनको बोलते हैं क्लोन। इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, तो अमीबा है, यूलिना है, प्रोटोजोआ संघ के जीव आते हैं, इसमें ये चीजें जो याद रखनी है। जो दूसरा नंबर है इसमें बीजाणु जन्म होते हैं, इसमें जो है कवक आते हैं, जीव जो है बीजाणु उत्पन्न करते हैं, और वे बीजाणु जो है अंकुरित होकर नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है कि जो इसके बीज है, बीज जो है परिपक्व होने के बाद से एक नया जो है नया जीव की उत्पत्ति यहाँ पे हो गई है। इसके वजह से तीसरा जो नंबर है मुकुलक यानी कि बडिंग का, तो बडिंग में जो है इसके शरीर से मुकुल निकलता है, और मुकुल निकलने के बाद से एक नए हाइड्रा एक नए जीव का जो निर्माण हो जाता है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन चीज आती है, ईस्ट और हाइड्रा। और तीसरा जो नंबर है ये है खंडी भवन, खंडी भवन फागने में निर्देशक यानी कि खंड खंड में टूटना, नाम से पता है कि खंड खंड में टूटना खंडी भवन है। तो और इसमें जो है स्पाइरो गोइरा और
यूरोथ्रिक्स, यानी कि इसमें देख रहे हैं आप लोग कि जो स्पाइरोगोइरा है ये टूट कर अलग हो गया, यहाँ पे टूट के अलग हो गया, यहाँ पे टूट कर अलग हो गया और एक नया स्पाइरोगोइरा थर्ड स्टेज में जो नया स्पाइरोगोइरा का जो निर्माण हो गया। और जो ये पांचवा नंबर है पुनरुद्भवन, यानी कि जीव के कटे हुए भाग से नए संतान बनते हैं। जीव के जितने भी उसके पास कटते हैं कटने वहां से अलग जो है संतान बन जाएंगे। तो इसमें जो जो एग्जांपल ये दिया गया बच्चों, प्लेनेरिया है, अमीबा है, अमीबा जितना कटता है अलग होकर नया अमीबा बन जाता है, हाइड्रा में भी कट के अलग होकर नया हाइड्रा बन जाता है। जितना इसको फाड़ कर देंगे, जितना काट दिया जाएगा वैसे नया नया जो है जीव बन जाते हैं। और इस प्रकार से जो है आप लोगों का पुनरुद्भवन जो है यहाँ पे पूरा हुआ। तो आज की इस क्लास में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में बताया गया है और इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं और इसमें की जो चीजें बची हैं उसको जो है अगले दिन बताएंगे। क्योंकि जो जनन होता है ये पारिस्थितिक जो तंत्र है इसको संतुलन बनाए रखने के लिए जो सबसे ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो विधियां है विधियां आप लोगों को बताई गई है। अब इसके बाद से जिसमें वेरिएशन सबसे अधिक होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वेरिएशन सबसे अधिक होता है। तो वेरिएशन सबसे अधिक यदि होगा तो उसमें जैव विकास भी सबसे तेजी से होता है। तो इसको आप लोग को अगले क्लास के वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी चीजें हैं। और जो बचा है इसको जो अगले वीडियो में आप कुछ शेयर करेंगे, इसलिए कि कुछ पार्ट्स जो है बचे हुए हैं, जैसे जो पौधे होते हैं पौधे में कैसे जो है नया पौधा बनता है, एक कोशिकी जीव जो होते हैं उनके विषय में अगले क्लास में बताया जाएगा। जैसे गुलाब के जो फूल होते हैं उसकी डंठल काट के लगा देने पे जो है नए गुलाब के फूल जो है विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है अगले क्लास में जो आपको बताई जाएगी। तब तक इस चीज को आप घर पे जो है रिवाइज करिएगा कि जो अलैंगिक जनन होते हैं ये कितनी विधियां होती हैं। तो आपको बताया गया द्वि विभाजन है, बीजाणु जनन है, इसके बाद से मुकुलन है, यहाँ पे खंडी भवन है और पुनरुद भवन है। आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये बताया गया है। आप लोग किताब निकाल के देखिएगा उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि सिलेबस में जो चीजें दी गई है सेम वही पढ़ना जा रहा है आपको। और इसमें से जो है 14 नंबर के जो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनेंगे और इसको आप लोग बिल्कुल जो है तैयारी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।